ये कि हम बयां नहीं कर सकते पूरी फैमिली वाले, बयां नहीं कर सकते। इन दिनों जब से यूपीएससी का रिजल्ट आया है तब से टॉपर्स चर्चाओं में बने हुए हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच एक नाम ऐसा भी है जिनकी सफलता ने सबको हैरान कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम आपको यूपीएससी टॉपर पवन कुमार के संघर्ष की कहानी बताएंगे, जो एक किसान के बेटे हैं और जिन्होंने झोपड़ी में रहते हुए महज मोबाइल की मदद से यूपीएससी क्रैक कर दिखाया। तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। पवन कुमार बुलंदशहर के गांव रघुनाथपुर के निवासी हैं। इनके घर में इनके माता पिता और तीन बहनें हैं। पवन के पिता मुकेश और माता सुमन मनरेगा मजदूर हैं। इनकी बहनों की बात की जाए तो इनकी सबसे बड़ी बहन गोल्डी ने बीए किया है, दूसरी बहन सृष्टि अभी बीए कर रही है और सबसे छोटी बहन सोनिया कक्षा 12वीं की पढ़ाई कर रही है। आपको बता दें, पवन ने 2017 में नवोदय स्कूल से इंटर की परीक्षा पास की थी। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद से बीए की परीक्षा पास की। बाद में वो दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में सिविल सर्विस की तैयारी शुरू करने गए। वहां से उन्होंने कुछ विषयों की कोचिंग ली और बाकी ऑनलाइन वेबसाइट की मदद से किया। 2 साल तक कोचिंग के बाद अधिकतर समय उन्होंने सेल्फ स्टडी की। पवन कुमार के परिवार का कहना है कि तीसरे प्रयास में उन्हें ये सफलता हासिल हुई है। पवन ने सफलता का श्रेय अपने परिवार को दिया। पवन ने यूपीएससी में सफलता के बाद एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि सभी परिवार वाले मेहनत मजदूरी कर उनको पैसे देते थे ताकि वो अपनी पढ़ाई करते रहें। उनके मकान में छप्पर पड़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके लिए तो महल भी यही है और कोठी भी यही है। पवन ने बताया कि 2 बूंद भी बारिश हो जाती थी तो पानी छप्पर से नीचे आ जाता था। जब वे यूपीएससी की तैयारी करते थे तब घर में लाइट ना होने की वजह से उनको मोबाइल की लाइट से पढ़ना पड़ता था, क्योंकि सारा खर्च उनकी पढ़ाई पर जाता था और दिया जलाने के लिए उनके यहाँ पर मिट्टी का तेल नहीं होता था। पवन ने बताया कि उनको पढ़ने के लिए एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन की जरूरत थी, तो उनके परिवार के सभी लोगों ने मजदूरी करके उनके लिए पैसे इकट्ठे किए और तब जाकर कुछ साल पहले उन्हें 3200 रुपये का एक स्मार्टफोन दिलाया। पवन ने बताया कि उनके लिए तो 3200 रुपये भी लाख के बराबर थे। उन्होंने बताया, चूल्हे में गैस के कनेक्शन बट गए, लेकिन हमारे पास सिलेंडर भरवाने के लिए 1000 रुपये भी नहीं है। मेरे और मेरे भाई बहनों की पढ़ाई के लिए सिलेंडर भी हम नहीं भरवा सकते, हमको चूल्हे से ही काम चलाना पड़ता है। तो दोस्तों, देखा आपने, जब इरादे बुलंद हो तो कोई भी हालात आपको नहीं हरा सकते। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पवन कुमार, जिन्होंने विकट परिस्थितियों से लड़कर यूपीएससी की परीक्षा क्रैक की। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।